हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडियन डॉग ब्रीड, जिसका नाम है बुल्ली कुत्ता और इसे पाकिस्तानी बुल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो को मैं टोटल 4 पॉइंट्स में कवर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट हिस्ट्री एंड ओरिजिन, सेकंड पॉइंट क्वालिटी, थर्ड पॉइंट क्या डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है, और फोर्थ पॉइंट प्राइस। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो है हिस्ट्री एंड ओरिजिन। इस डॉग ब्रीड का ओरिजिन 16th सेंचुरी में पंजाब सिंध एरिया है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहां से इसका ओरिजिन बताया गया है। ये डॉग ब्रीड पॉपुलर है पंजाब जो इंडिया में है, और पंजाब जो पाकिस्तान में है, और इंक्लूडिंग हरियाणा और दिल्ली, इन जगह पे ये पॉपुलर डॉग ब्रीड है। इस डॉग को ब्रीड किस लिए किया गया था? इस डॉग को ब्रीड किया गया था एक वर्किंग डॉग बनाने के लिए, हंटिंग और गार्ड डॉग बनाने के लिए। और जिस चीज में ये कामयाब हुआ है, क्योंकि एक बहुत बढ़िया गार्ड डॉग, बहुत बढ़िया हंटिंग डॉग है ये। और इस डॉग को अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे इंडियन मैस्टिफ, पाकिस्तानी मैस्टिफ, सिंध मैस्टिफ, इंडियन बुल्ली और पाकिस्तानी बुल्ली। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है क्वालिटी। इस डॉग ब्रीड के जो बोन्स होती है वो हैवी होती है, और मस्कुलर इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका हेड ब्रॉड होता है, इसकी आईज आलमंड की शेप की आईज होती है, जैसे बादाम के दाने की शेप की आईज होती है इसकी। इसके जो ईयर्स होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, पर ज्यादातर लोग उन्हें कटवाते, क्रॉप करवा के रखते हैं। और इसके जो मैं बताता हूँ, इसके एक स्पेशलिटी है, इसकी जो नेक है ना, नेक और जो के पास इसकी जो स्किन है वो लूज होती है, मतलब लूज स्किन होती है इसकी। इसका मैं लीटर साइज बताता हूँ, इसका लीटर साइज है 3 से 5 पपीज का। इसके कलर है ब्रिंडल, ब्राउन, व्हाइट और ब्लैक। इसका लाइफ स्पैन है 6 से 13 ईयर्स के बीच में। अब बात करते हैं इसके वेट की। मेल का वेट है 70 से 89 केजीज के बीच में, और फीमेल का है 60 से 70 केजीज के बीच में। हाइट है इसकी मेल की 76 से 86 सेंटीमीटर के बीच में, और फीमेल की हाइट है 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच में। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उस हिसाब से देखना ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। पहला पॉइंट, ये डॉग रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है अपार्टमेंट्स के लिए, क्योंकि इसको लार्ज स्पेस चाहिए रहने के लिए, क्योंकि ये एनर्जेटिक डॉग है, लार्ज साइज डॉग ब्रीड है ये। सेकंड पॉइंट, एक्सरसाइज। इस डॉग को कम से कम 2 घंटे की एक्सरसाइज चाहिए, क्योंकि इसको अपनी ये कैलोरीज बर्न करनी है, और एनर्जेटिक डॉग होता है, और ये एंशियंट टाइम में हंटर डॉग था, तो मैंने बताया, तो इसलिए इसको कम से कम 2 घंटे की एक्सरसाइज जरूरी है। बात करते हैं ग्रूमिंग के ऊपर। इस डॉग ब्रीड का शॉर्ट कोट होता है, तो आप इसको वीकली ब्रश कर सकते हैं, और मंथली बेदिंग कराओ तो वो इसके लिए इनफ है। मेन पॉइंट एक और, कि इस डॉग की ये न्यूज, ये केसेस आए हैं अब तक, कि ये कई बार अपने ओनर पे भी अटैक कर देता है, और स्ट्रेंजर्स पे तो ये अटैक करता ही करता है। तो इस चीज को आप ध्यान रख के ले इस डॉग ब्रीड को, क्योंकि ये एक एग्रेसिव और हंटर डॉग ब्रीड है, तो इस चीज को ध्यान रखना। बच्चों के साथ ऐसी बात नहीं कि हर डॉग इस ब्रीड का साथ, हर डॉग ऐसे है, बहुत ज्यादा एग्जांपल ऐसे है कि वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। और वो क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि उन्होंने बचपन से इस डॉग ब्रीड को बच्चों के साथ सोशलेबल करा, उनके साथ रेज करा उन्हें, तो ये बहुत अच्छी तरीके से है उनके साथ, और बढ़िया फैमिली डॉग की तरह भी है कई घरों में ये। तो सारी बात ये है कि अगर आप एक बढ़िया इसको पप्पी की एज से सोशलेबल करो, तो ये आपकी फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहेगा, और बहुत अच्छी तरीके से आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। गार्ड डॉग, बहुत अच्छा गार्ड डॉग है ये। अब बात करते हैं फोर्थ और लास्ट पॉइंट की, जो है प्राइस। इस डॉग ब्रीड का प्राइस आपको इंडियन मार्केट में 5000 से 25000 के बीच में मिल जाएगा। ये रेट क्वालिटी के हिसाब से होगा। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें।